श्रद्धा मर्डर केस में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी आफ्ताब पूनावाला गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीटी चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने सेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि गुजरात, दिल्ली एमसीटी और हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है। दरअसल सोमवार को तीनों राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों ने नतीजों पर एग्जिट पोल जारी किए थे, जिस पर आफ्ताब ने अपनी सेल के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों से गुजरात और एमसीडी में एग्जिट पोल के मुताबिक किसकी सरकार बन रही है इस टॉपिक पर काफी देर तक बातचीत कर जानकारी ली थी और इसको लेकर उसने अपने सुरक्षा कर्मियों से कई सवाल भी किए थे। यही नहीं, जेल में बंद आफ्ताब पूनावाला ने तिहाड़ प्रशासन से पढ़ने के लिए अंग्रेजी के कुछ उपन्यास भी उपलब्ध कराने की मांग की थी। आफ्ताब के अनुरोध पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उसे द ग्रेट रेलवे बाजार उपन्यास दी है। यह अमेरिकी उपन्यासकार पॉल थेराक्स का यात्रा वृतांत है। जेल अधिकारियों ने उसे यह किताब इसलिए दी है क्योंकि यह अपराध पर आधारित नहीं है। नॉवल देने से पहले जेल अधिकारियों ने मंथन किया और फिर इस किताब को देने का निर्णय लिया था। अधिकारी चाहते थे कि आफ्ताब को कोई ऐसी किताब ना दी जाए जिससे आफ्ताब खुद को या फिर किसी और को नुकसान पहुंचाए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब पूनावाला को तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद किया गया है। सुरक्षा कारणों से आफ्ताब को बाकी कैदियों से अलग रखा गया है ताकि कोई दूसरा कैदी आफ्ताब पूनावाला पर हमला न कर दे। सेल में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं आफ्ताब की सेल के बाहर 24 घंटे एक जवान भी तैनात किया गया है। अपने लिव इन पार्टनर की क्रूर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोप में आरोपी आफ्ताब पूनावाला को पुलिस ने 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आफ्ताब ने मई के महीने में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की दिल्ली में गला घोटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े को काट काट कर दिल्ली के महरौली में फेंक दिया था। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।